अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूट्यूब को एडिटिंग कैसे करते हैं और मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। दोस्तों यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए आपको जो है ज़्यादा जो है महंगी महंगी कैमरेज की या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में जब मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो मैं लाइव जो है डायरेक्टली मोबाइल से आया करता था, विदाउट एडिटिंग एक दीवार के पीछे खड़े होकर के बनाया करता था। लेकिन आज मैं जो है एक प्रोफेशनल तरीके से जो है मैं वीडियोस बनाता हूँ। और देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी जो है एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो रहा है। और मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और यूज़ कैसे करते हैं और एडिटिंग कैसे करना है यूट्यूब की वीडियोस को, ये मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा जो है उसकी झलक दिखाता हूँ। और वो सॉफ्टवेयर जो है कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे जो है पॉइंट पर आते हैं। एक सॉफ्टवेयर है जिसको जो है मोवावी वीडियो एडिटर कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपके सामने मैंने खोलकर रख दिया है, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सके। ये इसका फ्री ट्रायल वर्शन भी आता है, अगर आप इसमें पेड वर्शन लेना चाहते हैं तो ये 1500 रुपये से 5000 के बीच में आपको कितने फैसिलिटीज़ चाहिए, फीचर्स चाहिए, वो फीचर्स के हिसाब से आप उसको जो है डाउनलोड करके उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये मंथली या ईयरली इसको कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, ये सॉफ्टवेयर वन टाइम परचेज होता है और आपको इसमें लाइफ टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो को एडिट कैसे करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए फाइल लिखा हुआ है, एडिट लिखा हुआ है, प्लेबैक लिखा हुआ है, सेटिंग्स, एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको वीडियो को एडिटिंग करना है। मैं कैसे वीडियो को एडिटिंग करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो है आपके वीडियोस जहाँ पे आपने स्टोर किया है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जा कर के आप क्या करेंगे, कोई भी वीडियोस आप उठा लेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अच्छी सी एक रमज़ान की एक ये ले लेता हूँ, ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ये देखिए ये रमज़ान की ये बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद में मैं जो है इसके साथ और एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ। इसको एक्चुअली क्या करना है, इसको और एक बैकग्राउंड डालना है, एक वीडियो डाल देता हूँ इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, ये डाल देते हैं, ये वीडियो एक डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक 45 सेकेंड्स की एक वीडियो जो है एक ये बैकग्राउंड हो गया। अब मैं इसको जो है और ऐड कर देंगे, अब इसमें जो है कुछ साउंड्स है, इसमें साउंड आता है, उस साउंड को मैं बंद कर देता हूँ। और फिर इसमें जो है यहाँ पे ये जो वीडियो यहाँ पे आ रहा है इसको मैं कुछ अच्छा लगे जैसे करना है तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, तो उसको ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ये देखिए ये इफेक्ट्स है, ये देखिए ऐसे करके शेक होता है या ब्रोकन लेंस के जैसा इफेक्ट्स होता है, या आप इसको ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, ये देखिए ऐसे करके या ऐसे करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मैं जब इसको वीडियो को जब इधर से उधर शिफ्ट हो रहा होता है तो ऐसे आसानी से ये ट्रांजिशन हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे, जैसे कि जो है मेरा एक वीडियो है जो मैं प्रोटेस्ट पे गया था, वो वीडियो जो है यहाँ पे जो है एक प्रोटेस्ट किया था मैंने, वो प्रोटेस्ट की वीडियो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। अब इसको मुझे पूरा तो नहीं दिखाना है, मुझे जो है कट करना है, तो जहाँ पे मुझे कट करना है वहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पे कैंची से इसको कट कर दूँगा और इसको क्लिक करके इसको डिलीट मार दूँगा। ये देखिए इसको डिलीट करना है, अब इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे इसको खींच के इसे ठीक से अलाइनमेंट करना है। उसके बाद ये देखिए इसका बैकग्राउंड तो नहीं दिख रहा है, अभी मैंने बैकग्राउंड भी बनाया,
तो ये हो गया, यहाँ पे जो है वीडियो मैंने बनाया है, इसको जो है वीडियो को मैं क्या करूँगा, आओ थोड़ा इसको जो है क्रॉप करना, इसको स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं। तो इस वीडियो को जो है स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको यहाँ से नीचे कर देते हैं, ठीक है, और इसको इसका पोजीशन जो है चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे डाल देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, इसको ऐसे डाल दिया। फिर और जो है ये आप खुद जो है इसका सीख सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट, अब मुझे कुछ डालना है, मेरा चैनल के बारे में डालना है, बराबर, तो इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालना है। अब मेरा चैनल क्या है, फरहान रशीद, फरहान रशीद, इसका टेक्स्ट मैंने जो है डाल दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और अच्छा आएगा। ये जो है टेक्स्ट ठीक से नहीं आया है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर देंगे, और ये पूरा बॉक्स जो है इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ करके ये फरहान रशीद को थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये मेरा चैनल का ये हो गया। अब देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये देख, तो ये रहा, आप देखिए अभी ये है, अब मान लो आप ये डालना चाहते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कुछ और इसमें डालना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें मैसेज क्या है, सब्सक्राइब करके डाल देंगे इसको, और इसको जो है यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ कर देंगे, और ये जो ये है इसको भी सब्सक्राइब करके डाल दिया है, इसको भी थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक कर देंगे। बहुत आसान है ये, देखिए माउस में करना है बस, आपको कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ये देखिए सब्सक्राइब हो गया। अब मैं फिर से इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए स्टार्टिंग से प्ले करते हैं हम लोग, ये देखिए सब्सक्राइब का आ गया, तो ये हो गया ऐसे करके। अब मान लो कि अभी आपको और कुछ करना है, वो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, इस ऑप्शंस को यूज करते हुए आप लोग बहुत सारे फीचर्स डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्सप्लोर करके है, देखिए ये 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 एक यहाँ पे लिया, इसमें आप देखिए ऐसे करके, तो ये इफेक्ट्स अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको जो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, म्यूज़िक डालना है तो म्यूज़िक यहाँ से उठा सकते हैं, नहीं तो अलग से आप ऐड करके कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इसमें बैकग्राउंड रिमूवल का भी फीचर है। आप जो मेरा जो वीडियो देखते हैं तो मेरे बैकग्राउंड में दीवार रहती है, वो दीवार को हटाना है तो उसको या तो क्रोमा की के ज़रिए हटाया जा सकता है या बैकग्राउंड रिमूवल के ज़रिए। क्रोमा की तब यूज़ किया जाता है जब आपकी स्क्रीन में जो है ग्रीन स्क्रीन हो। अब ग्रीन स्क्रीन क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी इसकी झलक दिखलाता हूँ, जस्ट आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये ग्रीन स्क्रीन है। ये ग्रीन स्क्रीन होने के वजह से जो है पीछे का मैं बैकग्राउंड अभी जो है मैं इसको निकाल देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया। इसके वजह से जो है मेरा बैकग्राउंड में इतनी अच्छी सी जो है सेटिंग्स आ रही हैं। तो ये है वीडियो, और जो है इसके बाद आपको इसमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने से आपकी आपने जो वीडियो बनाया है वो सेव हो जाती है। आप इसमें ड्राफ्ट, लो क्वालिटी, गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट करके क्लिक कर दीजिए, वो जो है सेव हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी और एडिटिंग हो जाएगी। देखिए पूरी डिटेल तरीके से एडिटिंग करना है वो आपको जो है सीखना है, सॉफ्टवेयर जो है
उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ये मोबाइल वीडियो एडिटर करके है, बहुत आसान तरीके से, देखिए बहुत ही सिंपल जो है ये है। मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ, अभी वीडियो एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट सेव कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये थी आज की जो YouTube को लेकर के, YouTube के वीडियो का एडिटिंग कैसे करते हैं, वीडियो को एडिटिंग कैसे करना है, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं और जो YouTube, एक यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों का मैं आपको ज़रूर जो है बताऊँगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर आप इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी का बटन दबाना ज़रूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।